नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ मुख्यालय नई दिल्ली के आह्वान पर भारत शासन डाक विभाग और सबका साथ सबका विश्वास और सबका विकास करने वाले प्रधानमंत्री एक विभाग के कैबिनेट के अध्यक्ष रहते हुए ग्रामीण और सेवकों की वेतन सुधार संबंधी पीड़ित शोषित डाक विभाग में सबसे कम वेतन पाने वाले ग्रामीण डाक सेवकों को विभागीय दर्जा, पेंशन आदि विभागीय सुविधा प्रदान करने के लिए सन 2018 में कमलेश चंद्र कमेटी के द्वारा सिफारिश गर्दा की, परंतु प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा नकारते हुए 75% ग्रामीण जनता को सेवा प्रदान करने वाले और डाक विभाग में 65 वर्ष सेवा देने के पश्चात रिटायर किया जाता है। भीख मांग कर जीवन जीने के लिए भारत सरकार डाक विभाग मजबूर किया जा रहा है। बस्तर डाक संभाग के लगभग 1100 कार्यरत ग्रामीण डाक सेवक अपनी जायज मांगों को विभागीय दर्जा, पेंशन दिलाने और सभी विभागीय सुविधा पाने के लिए एक दिवसीय हड़ताल किए, और हमारी मांगों को भारत सरकार नहीं मानती है तो मार्च दिसंबर 2023 से अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जाएगा। हम जो है 65 साल सेवा देने के बाद भारत सरकार द्वारा ग्रामीण डाक सेवकों के साथ शोषण करते हुए हमारे को जो है आज तक पेंशन नहीं देती, ना विभागीय दर्जा नहीं दिया गया। इस संबंध में हम कई वर्षों से लगातार समय समय पर हड़ताल करते आ रहे हैं, परंतु भारत सरकार चाहे कोई भी पार्टी के हो हमारे ऊपर शोषण करते आ रही है। बहुत सारी चीज़ जो है कमीशन के द्वारा काम कराया जा रहा है, हमें 8 घंटे का तनख्वाह नहीं दिया जाता है और 8 घंटे काम कराया जाता है। यह तरह तरह से कई योजना ला के जो है ग्रामीण डाक सेवकों को ऊपर लाद रही है। जिस तरह से हम विभागीय कर्मचारी की तरह हम ग्रामीण डाक सेवक भी 8 घंटे कार्य करते हैं, परंतु आज तक हमें जो है विभागीय दर्जा एवं पेंशन नहीं दिया जा रहा। मैं और भी कुछ इस संबंध में आप लोगों के सामने और सरकार तक पहुँचाना चाहता हूँ। ये डाक विभाग में कार्यरत ग्रामीण डाक सेवक हम 65 साल तक उम्र तक हम सेवा देते हैं, परंतु हमें आज दिनांक तक विभागीय दर्जा नहीं दी गई है और न पेंशन दिया जाता है। हमको कुछ रकम देकर 1.5 लाख रुपए ग्रेजुएटी के नाम से और सेवरेंस के नाम से 50,000 रुपए देके जो है एक भीख मांगने के लिए कटोरा खरीदने के लिए इतनी रकम देके जो है हमें रिटायर कर देता है। अब चाहते क्या? हम ये चाहते हैं कि हमें एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा था कि पंचायत जब निराश्रित पेंशन पंचायत द्वारा सभी निराश्रितों को दिया जाता है उम्र जो 60 साल के ऊपर के, लेकिन हमें उसमें भी वंचित किया जाता है क्योंकि हम एक डाक विभाग में के कर्मचारी हैं, इसलिए ना उधर से निराश्रित पेंशन मिलता है न विभाग हमें पेंशन देती है। हम ये सरकार से, भारत सरकार और डाक विभाग से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमें भी विभागीय दर्जा दें, डाक विभाग के कर्मचारी समान हमें भी जो है 8 घंटे का वेतन दे, विभागीय दर्जा दे और हमें पेंशन दे। इसी के लिए हम जो है समय समय पे धरना हड़ताल करेंगे। आने वाला समय में अगर हमें ये मांगों को पूरा नहीं करती है भारत सरकार तो हम दिसंबर में अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। आज जो है हम लोग सब GDS कर्मचारी ग्रामीण डाक सेवक संघ एक दिवसीय धरना में हम बैठे हैं और हमारी मांगे ये है कि हमें विभागीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, साथ में हमें पेंशन, ग्रेजुएटी जो भी सरकारी कर्मचारियों को मिलता है वो सारी फैसिलिटी हमको मिलना चाहिए। हम इस मुद्दे को लेकर, 7 सूत्रीय मांगों को लेकर जो है एक दिवसीय धरना में बैठे हैं। यदि सरकार हमारी मांगों को पूरी नहीं करेगी तो हम दिसंबर महीने के 5 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना हड़ताल में हम लोग चले जाएंगे। इससे पूर्व आप लोगों ने धरना दिया था तो आप लोगों इससे पहले हम कई धरना दे चुके हैं लेकिन हमारी मांगे जो है पूरी नहीं हुई।
सरकार जो है अंधी गूंगी और बैरी हो चुकी है। हम इतने परेशान हैं, हमारे ऊपर जो है प्रशासन का बार बार काम के प्रति प्रेशराइज टारगेट देकर हमको मेंटली तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। हमारी जो ड्यूटी का अवधि है वो 4 घंटा है, लेकिन हमको 8 घंटा ड्यूटी कराया जाता है। और टारगेट बार बार हर महीने हमको टारगेट देकर जो है हमको परेशान किया जाता है, और बदले में हमको उससे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। इसीलिए सरकार से हमारा आवाज़ सरकार तक पहुंचना चाहिए, और हम इन बातों को लेकर सरकार के सामने आते हैं और हम अपने मांग को मांग रहे हैं। कोई भीख नहीं मांग रहे हैं सरकार से, हम अपना हक मांग रहे हैं और हमारा हक हमको मिलना चाहिए। यदि नहीं मिलेगी तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले जाएंगे। वी टाइम न्यूज़ के लिए जगदलपुर से बास की ठाकुर की रिपोर्ट।